जो अपनी मदर यूनिट है मारुति की फैक्ट्री जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, वहां की 8 लाख सालाना कारों की मैन्युफैक्चरिंग आप दूसरे प्रांतों में भेज रहे हैं। अब स्विफ्ट भी, बेलिनो भी, और अब डिजायर कार जो हिंदुस्तान की सबसे अधिक बिकने वाली कार है, पिछले साल 2 लाख कार अकेले डिजायर मॉडल बिकी, वो भी आपने भेज दी। तो हरियाणा के उद्योग और धंधे का क्या होगा, हरियाणा में निवेश का क्या होगा, हरियाणा में रोटी रोजगार का क्या होगा? और वो मदर यूनिट जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, जिससे हरियाणा की पहचान बनी, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, दारूहेड़ा, गुड़गावा, ये सारा इलाका जो मानेसर, ये सारा इलाका उठा ही इसलिए कि मारुति सुजुकी और उसकी एंसिलरी यहां आई और फिर अन्य उद्योग आए। जब 8 लाख कारों की प्रोडक्शन अब गुजरात में होगी हरियाणा की बजाय, तो एंसिलरी इंडस्ट्री भी चली जाएगी, तो हमारे बच्चों की रोटी और रोजगार भी जाएगा और हमारा निवेश भी जाएगा। क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे? कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। आदरणीय मित्र, 2014 तक ये क्यों नहीं हुआ? 10 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तो याद करिए, नरेंद्र मोदी जी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात मॉडल तो वही कहा करते थे मैंने बनाया है, पर एक उद्योग भी हरियाणा छोड़कर ना महाराष्ट्र गया, ना राजस्थान गया, ना गुजरात गया, ना मध्य प्रदेश गया, ना कहीं और गया। 2014 में सरकार बदलती है, प्रधानमंत्री जी गुजरात से दिल्ली आ जाते हैं और उनके मित्र आदरणीय खट्टर साहब यहां आ जाते हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार यहां बनती है, मारुति उद्योग लिमिटेड के हरियाणा से पलायन का षड्यंत्र, मैं जुम्मेवारी से कहता हूं, मारुति उद्योग लिमिटेड के हरियाणा से पलायन का षड्यंत्र शुरू हो जाता है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम मैंने बताया SMG सुजुकी मोटर्स गुजरात, जो हिंदुस्तान की जो हमारी मारुति कंपनी है उससे जुड़ी हुई नहीं, सीधा उसे सब्सिडरी बना दिया जाता है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की। और फिर एक नहीं, दो नहीं, अब 3 फैक्ट्रियां वहां लग गई हैं। पहले बेलिनो गई, स्विफ्ट गई, अब डिजायर कार की मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा से चली गई। परंतु मुख्यमंत्री हैं कि वो, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब, वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। हरियाणा के लोग, हरियाणा का निवेश, हरियाणा का उद्योग, हरियाणा का धंधा, हरियाणा का मान सम्मान, हरियाणा का रोजगार चाहे भाड़ में जाए, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। पहले इसको पूरा कर लें और कोई और साथी पूछना चाहे तो इससे कोई जुड़ा हुआ प्रश्न। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, कल जिस तरीके से शीर्षक के अंदर स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, कैसे देखते हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है, मैं फिर दोहराता हूं, हिंसा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। परंतु मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा जानबूझकर हमारे किसान भाइयों को एक षड्यंत्र के तहत उत्तेजित करती है। आप मुझे बताइए, हिसार में मुख्यमंत्री जी ने लाठी चार्ज करवाया, सैकड़ों किसान घायल हुए, हमारी माताएं जो हैं उनके खून से हिसार की धरती लाल हो गई, आपने उन पर टोहाना में लाठी चार्ज करवाया, किसान भाइयों पर आपने, उन पर फतियाबाद में लाठी चार्ज करवाया आपने, उन पर करनाल में लाठी चार्ज करवाया आपने, उन पर पानीपत में लाठी चार्ज करवाया। क्या किसान और किसान के बेटे और गरीब मजदूर SC BC के हमारे भाई अब खट्टर सरकार की पुलिस की लाठियां खाने के लिए बने हैं? जान पूछकर भाजपा के नेता किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को उत्तेजित करते हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़कर ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, बिल्कुल भाजपा के षड्यंत्र और बहकावे में मत आइए। आप लड़ाई जीतने वाले हैं, मोदी और खट्टर सरकारों को आपकी ड्योढ़ी पर घुटने टेकने पड़ेंगे। जैसे बुझने से पहले दिया एक बार जोर से बलता है, ये खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार, आपके सब्र का इम्तिहान इसी प्रकार से ले रही है। शांति बनाए रखिए, अपना संगठन बनाए रखिए,
अपना एका बनाए रखिए, और कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल, हम इन तीन काले कानूनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है जिस दिन कांग्रेस की सरकार देश में आएगी पहला निर्णय हमारा होगा इन तीन काले कानूनों को हम कानून की किताब से खत्म कर देंगे। किसान की जीत उससे पहले ही हो जाएगी, हमें यह विश्वास है। हाँ हाँ बिल्कुल, पंजाबी आंधी है सर। मैंने जी कि कल पंजाब में बीजेपी के नेताओं का विरोध, उनको बंधन बनाया गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के वर्कर ये सब कर रहा है। सबसे पहले तो भाजपा से मैं पूछूंगा, वो किसानों के पक्षधर अपने ही पूर्व मंत्री को पार्टी से एक्सपेल क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में किसान के, मजदूर के, गरीब के हक में आवाज बोलना या आवाज उठाना पाप है? उन्होंने अपने एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री को, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, जोशी साहब को वहां से निकाल दिया। क्यों, क्या कसूर है जोशी जी का? उन्होंने केवल ये कहा था कि ये कानून काले कानून है, कृषि विरोधी हैं, गरीब किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। ये भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र दिखाता है। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जानबूझकर किसानों को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि फिर उन पर मुकदमे बनाए जाएं, उनको जेलों में भेजा जाए। हरियाणा में ही आज भी दर्जनों, शायद अगर मैं सैकड़ों ना कहूं तो सैकड़ों दर्जनों किसान आज भी देशद्रोह के अंदर काल कोठरी में बंद हैं। क्यों? पंजाब में तो हमारी सरकार ने उन पर यह कभी कानून नहीं लगाया। अगर मुख्यमंत्री की आलोचना कर दो, प्रधानमंत्री की आलोचना कर दो, काले कानूनों की आलोचना कर दो, तो आपके ऊपर देशद्रोह का कानून हरियाणा की भाजपा सरकार लगा देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा मेरे किसान भाइयों से, वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, देश के अन्य हिस्सों में हो, कृपया करके बीजेपी के षड्यंत्र में मत बहकिएगा। हमें शांति प्रिय तरीके से अपना संगठन बनाए रखना है, और वो संगठन आपका जीतेगा, किसान और मजदूर जीतेगा, खेती जीतेगी, अगली फसल और नस्ल जीतेगी, और मोदी जी का अहंकार हारेगा। धन्यवाद। सर, पानी को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है हरियाणा और दिल्ली के बीच में, इसको कैसे देखते हो आप? और दूसरा, क्योंकि लगातार दिल्ली हरियाणा पर पानी कम देने का आरोप लगा दे रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी की किसी भी बात पर विश्वास करना मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं है। केजरीवाल जी को झूठ बोलने की मोदी जी की तरह बुरी आदत है, और दोनों इसमें एक दूसरे को पछाड़ने का लगातार प्रयास करते हैं। हरियाणा में इस समय भयंकर जल संकट है, पीने का पानी हरियाणा के पास नहीं, सारी की सारी धान की फसल सूख गई है। खट्टर सरकार, नाकारा और निकम्मी खट्टर सरकार किसान को ना बिजली देती ना नहर का पानी दे रही, और पानी की ये भयंकर कमी हरियाणा, हरियाणा में नहीं पूरे देश में है, दिल्ली भी इसे झेल रहा है। हमारा ये कहना है, केजरीवाल जी आदित्यनाथ जी से बात क्यों नहीं करते गंगा मैया का पानी लेने के लिए? उनसे क्यों घबराते हैं? या फिर वहां कोई सहमति है, समझौता है कि भैया वहां चुनाव हो रहा है इसलिए आदित्यनाथ जी को परेशान नहीं करना? तो इसलिए कम से कम बगैर तथ्यों की जांच किए जो केजरीवाल जी की बयानबाजी है उससे उन्हें बचना चाहिए। ये मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनम्र राय। सर, एक सवाल चौटाला साहब को लेकर, उनकी रिहाई हो गई है, रिहाई के बाद ये कहा जा रहा है खुले तौर पर कि चौटाला साहब आ रहे हैं तो राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, खासतौर पर हरियाणा। हर व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, आखिर में निर्णय लोग करेंगे। मैं केवल आपको याद दिलाऊं, लोक दल को आखिरी बार 2000 के बाद वो 21 साल से सत्ता में नहीं आए, क्योंकि जब से कंडेला कांड हुआ और किसानों से वायदा खिलाफी हुई उसके बाद लोक दल सत्ता में नहीं आया। पर हर व्यक्ति को राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का बराबर का अधिकार है, कानून की परिधि में, तो कानून अपना काम करेगा। सर, एक अंतिम सवाल हरियाणा से, आप पिछला भी आपने अंतिम कहा था, ये अंतिम ये है, नहीं नहीं जवाब नहीं,
हरियाणा कांग्रेस के विधायक, नहीं मेरे से आप दो और पूछिए, चलिए हरियाणा कांग्रेस के विधायक पिछले दिनों यहाँ आए, आपसे भी मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कहें? पहली बात तो इस सवाल का आधार ही गलत है। मुझसे हर विधायक साथी अक्सर मिलते हैं और किसी विधायक साथी ने, कोई मुझसे ऐसा विधायक साथी नहीं जो मिलने आया हो, मैं मिला नहीं। आपसे मिलने नहीं आए? कोई विधायक, कई साथी मुझे मिलने आते हैं, मैं सबसे मिलता हूं और इन दिनों में भी मिले हैं। तो ऐसे विधायक साथी का एक का नाम बताइए जिसे मैंने मिलने से इनकार किया। तो इसलिए इस सवाल का आधार नहीं। सर माना जा रहा है जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में आपकी विवाद चल रहा है, इसी तरह हरियाणा कांग्रेस में भी आपकी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर विधायक हरियाणा से दिल्ली पहुंचे और कमान से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर रास्ता नहीं निकला और आगे भी वो रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भी कांग्रेस के महासचिव संगठन या हरियाणा के प्रभारी से मिलना चाहता है, वो दोनों, चाहे वो विधायक हों और चाहे वो कार्यकर्ता हों, हमारे लिए तो दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये नहीं कि विधायक महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं, कार्यकर्ता और पार्टी से विधायक बन